नमस्ते फ्रेंड्स, आज हम हमारे बीएड सेकंड ईयर पेडागॉजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट में जो हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान शिक्षक, हम उसके बारे में पढ़ रहे थे। इसमें जाना कि पॉलिटिकल साइंस के चक्की कौन कौन सी क्वालिटीज होनी चाहिए, इसके गुण सामान्य गुण और विशिष्ट गुणों को जानना। अब हम जानते हैं कि जब इस गुणों के साथ साथ उसके अंदर कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसके उत्तरदायित्व होनी चाहिए कि वो अपनी उत्तरदायित्व को अच्छे से निभा सके। तो राजनीति विज्ञान शिक्षक के उत्तर देंगे। इसके सबसे पहले तो बात आ जाएगी उत्तर देंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहली बात है उत्तर देंगे में राजनीति विज्ञान शिक्षक का मुख्य विकास तथा सीमाओं का ज्ञान प्राप्त करें। यह है इसके पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्या बताई गई है कि पॉलिटिकल साइंस शिक्षक का मुख्य उत्तरदायित्व मेन क्या है कि वह छात्रों की प्रकृति, बच्चों की नेचर को समझना समझने के लिए उनकी योग्यता है, उनकी क्या नीड है, क्या जरूरत है, उनकी क्या क्वालिटी, उनकी योग्यता है, उनकी नीड क्या है, आवश्यकता क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका डेवलप क्या है, रुचि विकास, उनकी लिमिटेशन सीमाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके। बच्चों की इन बातों का ध्यान रखना जरूरी है, उनकी प्रकृति, उनकी
विविधताओं, उनकी आवश्यकताओं, उनकी रुचियों, उनके विकास तथा सीमाओं का ज्ञान प्राप्त कर सके। ठीक है, अब वो ज्ञान कर रहा है हमको बच्चों के बारे में, इस सब बातें कब पता चलेगी, हम इसका नॉलेज कब रख पाएंगे, वो तभी हो पाएगा जब इस प्रभु कार्य का भी सफलता के साथ पूर्ण निर्वाह कर सकता है, जबकि वह बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास का अध्ययन है। बाल मनोविज्ञान चाइल्ड साइकोलॉजी और बाल विकास चाइल्ड डेवलपमेंट का अध्ययन कर सके। ये तो बात हम समझते हैं कि अंदर की पहली बात यही है, बाल मनोविज्ञान का बाल विकास ही पूरा 30 नंबर का पहला पार्ट यही है कि हम जब टीचर बनने जा रहे हैं तो हमको साइकोलॉजी बच्चों के बारे में पता होना चाहिए, साइकोलॉजी को समझेंगे जानेंगे तभी तो हम बच्चों के साथ कार्य कर सकते हैं। पढ़ाना हमारा कार्य वही है, हमको बच्चों को समझना भी हमारा कार्य है, बच्चों के साथ हमको टाइम स्पेंड करना है, बच्चों को समझना है, बच्चों को भविष्य का निर्माण करना है। ये तब तभी संभव है जब बच्चों की साइकोलॉजी को हम समझ सके, तभी हम बेहतर शिक्षण प्रदान कर सकते हैं। इसलिए हमको बाल मनोविज्ञान और बाल विकास का अध्ययन करना पड़ेगा, ये हमारी पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी मानी। दूसरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है राजनीति, विज्ञान के शिक्षक का दूसरा मुख्य उत्तरदायित्व है कि वह छात्रों नवीनतम घटनाओं की जानकारी दे, इससे जीवन की यथार्थ परिस्थितियों से अगली बार आ जाती है इसमें राजनीति के लिए शिक्षक का दूसरा मुख्य उत्तरदायित्व यह है कि वह छात्रों को नवीनतम घटनाओं की जानकारी देता रहे। बिल्कुल फैक्ट बात है, सत्य बात है कि हम क्लास में पढ़ाते तो ही है, इसके साथ साथ क्या घट रहा है, नई घटनाएं क्या है, ये बच्चों के साथ हमको साझा करनी पड़ेगी, शेयर करना पड़ेगा, बच्चों को डिस्कस करना पड़ेगा, उनको बताना होगा, जिससे वह व्यवहारिक जीवन की यथार्थ दृष्टि से परिस्थित परिचित हो सके कि जीवन में कल चल क्या रहा है, हमारे जीवन क्या है, उनको मतलब समझने के लिए जानने के लिए टीचर को भी बताना होगा, ताकि बच्चे भी इस बात को समझे, कोई नया कानून आता है या कोई बदलाव आता है, सरकार बदलती है, चुनाव कैसे होता है, कैसे क्या हो रहा है, कौन सा चुनाव होने वाला है, वगैरह वगैरह जो भी घट रहा है, इसके साथ साथ जनरली बात भी पॉलिटिकल से अलग वो सारी बातें बच्चों से डिस्कस कीजिए, ताकि बच्चों को उनके बारे में अच्छे से पता चल सके। अगला है इसमें राजनीति, विज्ञान
शिक्षक का तीसरा मुख्य उत्तरदायित्व
जारे वो समाज के संपर्क में ले जाए और वह सामाजिक संघर्षों कलहों तथा विद्वेषों को दूर करके आदर्श समाज की स्थापना के यह इसका अगला उत्तर आएगा कि राजनीतिक शिक्षण का मुख्य दायित्व यह भी है क्या है कि वह विभिन्न वर्गों समुदायों समाजों और तत्व जो भी वर्ग है समुदाय समाज और तत्व उसके भी क्या करें एक कड़ी का कार्य करें यानी कि इनको आपस में जोड़ने का कार्य इस टीचर को करना है आपस में जोड़ेगा उनको एक साथ लेकर चलेगा टीचर करेगा वह विद्यालय को समाज के संपर्क में लाए समाज के संपर्क में विद्यालय बोला समाज को विद्यालय के संपर्क में दोनों को जोड़ने का कार्य ठीक है वह सामाजिक संघर्षों कलह और विद्वेषों को दूर करके आदर्श समाज की स्थापना की प्रयास करेगा समाज में जो कलह होते हैं संघर्ष होते हैं और जो भी विद्वेष होते हैं इनको दूर करना है समाज में अराजकता नहीं होनी चाहिए समाज में अशांति नहीं होनी चाहिए समाज में शांति बनी हुई है समाज एक आदर्श समाज बन सके इसके लिए प्रयास करना होगा इसके लिए उसको अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना होगा तो ये बात थी राजनीतिक शिक्षक के उत्तरदायित्व के संबंध में इसके साथ साथ इसको कंटिन्यू कर करके एक बात भी जानते हैं कि राजनीतिक शिक्षक की व्यावसायिक आचरण संहिता कौन कौन सी होती है व्यावसायिक आचार संहिता राजनीतिक शिक्षक की जो व्यावसायिक आचार संहिता इसको हम समझ लेते हैं कि इसके सत्य किन बातों को ध्यान रखना है सबसे पहला व्यावसायिक अगला है विषय का गुण क्या व्यवसाय के
प्रयोगात्मक दृष्टिकोण पाठ्य सैद्धांतिक क्रियाओं तो ये बात है व्यवसायिक आचार संहिता के संदर्भ में कि पॉलिटिकल साइंस के शिक्षक की कौन कौन से विषय क्या था व्यवसायिक प्रशिक्षण ये अपनी बात के गुण में भी जानी थी कि उसको व्यवसाय का प्रशिक्षण होना चाहिए। इस प्रशिक्षण के माध्यम से बच्चों की मानसिकता को कैसे समझाए, कौन कौन शिक्षण विधियों का यूज किया जाए क्लासरूम के अंदर, मेथड को समझाया जाए, ठीक है, विधियां मेथड स्किल आदि, ये सब बातें प्रशिक्षण के माध्यम से पता चलती है। टीचिंग कैसे कराई जाती है, पहले से योजना कैसे बनाई जाती है, ये सारी बातें इसमें विषय का पूर्ण ज्ञाता उसको अपने विषय का अपने आप में पूर्ण ज्ञाता होना पड़ेगा, उसको परफेक्ट नॉलेज होना पड़ेगा, साथ साथ अन्य विषयों को भी साथ लेके चलना पड़ेगा। वो विषय का अच्छा ज्ञाता होगा तो अपनी बात को दूसरों तक अच्छे से पहुंचा सकेगा, अच्छे से समझा सकेगा। ये सब बातें उसके अंदर आनी चाहिए, उस बात को समझना। व्यवसाय के प्रति निष्ठा ईमानदारी होनी चाहिए, अपने कार्य से जी नहीं चुराने वाला, उसमें ईमानदारी निभाने वाला, बच्चों की भविष्य के प्रति जागरूक रहने वाला शिक्षक होना चाहिए। वो वाली परिभाषा देखिए, कर्तव्य करता रहना है और बच्चों के लिए हमेशा लगे रहना है, बच्चों के लिए भविष्य के साथ या भविष्य के लिए लगे रहना होना चाहिए। उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, हमको हमारा कार्य पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निभाना होगा। प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, एक शिक्षक को हमेशा परंपरागत दृष्टिकोण को साइड में, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण यानी कि कुछ नया करना, अपने व्यू से बच्चों के लिए क्या कर सकता है, कौन कौन से प्रयोग कर सकता है। प्रयोग का मतलब है पढ़ाने के संदर्भ में उनको अच्छे डायरी बनाने के संदर्भ में जो बेहतर तरीका वो अपना सकता है, उस तरीके को अपना सकता है। क्लास में बच्चों की साइकिल समझ में पढ़ाने में दिक्कत आ रही है, बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, तो उसके लिए वो क्या प्रयास कर सकता है, इसके लिए उसको प्रयोगात्मक दृष्टिकोण रखना होगा। पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, जो पाठ्य सहगामी जो क्रियाएं होती है वे क्रिया जिससे बच्चों को कुछ क्रिएटिविटी वाला माहौल दिया सकता है, बच्चों की जो एक स्किल होती है, बच्चों के अंदर की प्रतिभा होती है उनको बाहर लाने के लिए जो क्रिया विद्यालय में की जाती है, इनके प्रति टीचर को भी जागरूक रहना होगा। शिक्षा के उद्देश्य के प्रति जागरूक, शिक्षा के जो भी उद्देश्य है यानी कि शिक्षा के उद्देश्य के माध्यम से बच्चों को कैसा भविष्य निर्मित होगा, बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है, इस सब बातों के उसको जागरूक होना पड़ेगा। तो ये भी बातें थी जो व्यावसायिक प्रशिक्षण, विषय का पूर्ण ज्ञान था, व्यवसाय निष्ठा, प्रयोगात्मक दृष्टिकोण, पाठ्य सहयोग में रुचि और शिक्षा के दृष्टि की जागरूक। तो ये भी बातें थी हमने व्यावसायिक आचार संहिता में जानी और हमने आगे शिक्षक के दायित्वों को भी समझा। इसी को जानते हुए हम अपने आप को या शिक्षक अपने आप को एक बेहतर और आदर्श शिक्षक के रूप में अपनी पहचान बना सकता। अब इसी के संदर्भ में आज का आपका असाइनमेंट है, राजनीति विज्ञान शिक्षक के तो एक पॉलिटिकल साइंस टीचर की कौन कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो आज अपने क्लास में जानी कि बच्चों की मानसिकताओं को समझते, उनकी योग्यता आवश्यकता और रुचियों को समझना कि
कड़ी का कार्य करना, पाठ्यक्रम निर्माण करता होना चाहिए, ठीक है ना। ये सारी जो बातें हैं जो हमने इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत समझी है कि देवकी के बच्चों को किस तरह से वो नवीनतम घटनाओं की जानकारी दे सकता है, मतलब बच्चों के संदर्भ में और एक विद्यालय और समाज के एक कड़ी के बीच में वो अपने आप को किस तरीके से पेश कर सकता है, तो इसी के बारे में आप लोग अपना असाइनमेंट रेडी करो। स्टूडेंट्स इसमें आपको सावधानी सतर्कता रखनी है और इसी सावधानी सतर्कता को अपने साथ साथ परिवार समाज और राष्ट्र को भी साथ में जागरूकता चलानी है। समाज जागरूक